वेलकम बैक टू द वीडियो। सॉरी आजकल वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है क्योंकि एक न्यू स्टूडियो के सेटअप पे लगे हुए हैं। बाकी हो जाएगा जितना जल्दी होगा एंड आपको कुछ नया नया कंटेंट भी देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम के कुछ अमेजिंग से अपडेट जो आने वाले हैं उन कुछ आ चुके हैं एंड काफी टाइम से अपडेट के बारे में बात नहीं हुई थी। मुझे कमेंट भी आ रहे थे काफी कि भाई अपडेट नहीं आ रहे इंस्टाग्राम के। क्या भाई बिल्कुल आ रहे हैं, आप देख लो। कुछ 7 अपडेट्स के बारे में बात करूंगा इंस्टाग्राम के, काफी अमेजिंग है जो इंस्टाग्राम का यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज करके रख देगा। तो इन अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं अमेजिंग अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं कि अब हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में गाना लगा सकते हैं। Yes, पहले हम इंस्टाग्राम पे रील्स पे गाना लगाना स्टार्ट किया, फिर हम स्टोरी पे लगाना स्टार्ट किया, अब हम इंस्टाग्राम के पोस्ट पे भी लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ अब हम इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। जैसे कोटेशंस लिखते हैं और कोई वेबसाइट डालते थे, ऐसे अब इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में हम एक गाना लगा सकते हैं। काफी अमेजिंग सा अपडेट है जो आने वाला है। आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट में लिख के बता देना। दूसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से ही रिलेटेड है ये, कि उसमें अब हम आस्क मी एनीथिंग कर सकते हैं। लाइक इससे इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, रीच भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग आपको मैसेज करके पूछेंगे ना आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ भी, आपकी प्रोफाइल पे आके डायरेक्ट वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ये प्रोफेशनल अकाउंट के लिए है, पर्सनल अकाउंट के लिए नहीं है, ये देख लेना। क्रिएटर प्रोफेशनल अकाउंट इन दोनों के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है अब हम इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है उसे स्केड्यूल कर सकते हैं। बहुत ही टाइम सा वेटेड था ये, बहुत लोग मतलब क्या होता था, दिक्कत आती थी कि यार अभी डालना पड़ेगा, मतलब 8 बजे हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे अब हम इंस्टाग्राम की रील्स को बना के डालते हैं, अब उन्हें हम शेड्यूल कर सकते हैं 75 डेज एडवांस में हम लोग कर सकते हैं शेड्यूल। एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो भी यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं उसी के, मतलब कैसे कर पाओगे, कब कर पाओगे, ये जो जितने भी अपडेट हैं मे बी जनवरी में आ जाएंगे, जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में। एंड इसके बाद एक और अमेजिंग सा अपडेट है, मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, विच इज रिलेटेड टू रील्स ओनली। अब रील पे हम लोग जेस्चर्स का एक हमें मिलने वाला है। पहले क्या होता था, हम लोग रील बनाते थे, टाइम लगाते थे 3 सेकंड का 10 सेकंड का, दूर रख के फोन पर भाग के आते थे। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले हो एंड रील बना रहे हो, अब आप जेस्चर से, जैसे पहले एक माइक्रोमैक्स का फोन आता था उसमें ये कंट्रोल मिलता था, हम जेस्चर से कैमरा कंट्रोल कर लेते, ऐसे करते फोटो खिंचाता था। अब हम रील पे भी ऐसे जेस्चर करेंगे और ऐसे करके हटाएंगे तो हमारी रील अपने आप ही चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये मुझे काफ़ी ठीक लगा, अकेले जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये अपडेट। इसके बाद एक और अमेजिंग सा अपडेट आया है, अब हम इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उस पर जो भी देखना चाहते हैं सिर्फ हमें वही दिखेगा। मतलब एक्सप्लोर पेज को तो हम चेंज कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ अब हम इंटरेस्ट भी अपना मैनेज कर सकते हैं। हमें क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, हमें क्रिकेट से रिलेटेड पोस्ट देखने हैं, हमें क्रिकेट से रिलेटेड रील्स देखनी है, हम वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिकेट। एंड वो उसके लिए आपको तो बस अकाउंट्स में जाना है, मतलब इंस्टाग्राम के राइट टॉप कॉर्नर 3 लाइन सेटिंग्स एंड अकाउंट्स में, अकाउंट में जाकर आपको मैनेज इंटरेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो सारे आपकी हॉबीज में इंटरेस्ट जो भी है वो आप मैनेज कर सकते हो, आप क्या पोस्ट देखना चाहते हो वो इंटरेस्ट मैनेज कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे काफी अमेजिंग है। प्रोफाइल पे आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो। इसके बाद एक और नया अपडेट है, विच इज फॉलोवर यू फॉलो बैक। यस, इससे आपको समझ नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ। हम अगर कोई स्टोरी डालते हैं, जब भी हम स्टोरी डालते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें जितने लोगों को हमने फॉलो किया, जो लोग हमें फॉलो करते हैं हमारी स्टोरी सबको दिखती है, राइट। या फिर हम अपने क्लोज फ्रेंड्स को हम सेलेक्ट करते थे, सिर्फ उनको हम दिखा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम जो हमें फॉलो करते हैं और जिन्हें हम फॉलो बैक करते हैं सिर्फ हमें, क्योंकि अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं तो मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो नहीं करूंगा, ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, तो वो मेरी स्टोरीज देखे सिर्फ और बाकी किसी को ना दिखे। कोई पर्सनल स्टोरी अगर हम डालना चाहते हैं तो अब हम ऐसे डाल सकते हैं कंटेंट क्रिएटर के लिए, तो बहुत ही अमेजिंग सा अपडेट है। आपके अपडेट कैसा लगा मुझे बता देना, फॉलोवर यू फॉलो बैक, राइट। इसके बाद एक और अपडेट है जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। फेसबुक पे तो ऑलरेडी आ चुका है, अगर हम फेसबुक पे हम रील डालते हैं, फेसबुक पे हम कोई भी कंटेंट डालते हैं तो वहां पे हमारे जो लविंग फॉलोवर्स होते हैं, लविंग सब्सक्राइबर होते हैं, वो हमें कुछ स्टार्स देते हैं, स्टार्स को हम लोग कैश करा सकते हैं, स्टार्स को हम लोग पैसे बना सकते हैं। एंड यही सेम चीज आ गई है अब इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे हम लोग स्टार्स खरीद के सकते हैं एंड जो भी हमारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है हम उसको दे सकते हैं जिससे वो अपना पैसा बना सकते हैं। मतलब ऐसा गिफ्ट हम उसे देंगे 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार, उसके स्टार उसके खाते में जाएंगे एंड बोनस के साथ साथ वो उसे कैश आउट करा सकता है पैसे में।
ये अमेजिंग अपडेट थे जो मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिए। वैसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और एक दो और आए हैं वो मुझे ज़्यादा काम के नहीं लगे, तो मुझे आपको लगा कि आपको ठीक है ज़्यादा वीडियो खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनमें से कौन सा अपडेट आपको सबसे बेस्ट लगा, कौन सा अपडेट आपको सबसे बुरा लगा, वो कमेंट में जरूर लिख देना ताकि ये बात आगे तक जाए। एंड उसी के साथ साथ अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो वर्थ वॉचिंग लगी है, तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।